लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मुरादाबाद थाना माजोला क्षेत्र के अंतर्गत काशीराम नगर का एक मामला प्रकाश में आया है। सुषमा नाम की एक महिला पिछले 2 महीने से इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। पूरा मामला बताते चलें, काशीराम नगर हड्डी मिल थाना माजोला की रहने वाली सुषमा का कहना है कि 11 नवंबर की शाम को वह अपने घर पर अकेली थी और पास ही में रहने वाला युवक किशन सिंह पुत्र देवानंद घर में घुसाया। सुषमा का आरोप है कि किशन सिंह गलत नीयत से घर में घुसा था और घुसने के बाद मारपीट कर बलात्कार करने का प्रयास करने लगा। उसी के विरोध करते हुए सुषमा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर की आवाज़ सुनते ही मोहल्ले के काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए और किशन सिंह घर से फरार हो गया। इसी की सूचना महिला ने डायल 112 पुलिस को दी। देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। इनाम उलक की रिपोर्ट, मुरादाबाद। कहाँ की रहने वाली हैं? क्या मामला हुआ है आपके साथ? वो मेरी बहन के साथ झगड़ा हुआ था तो मुझे उठा के ले गए पुलिस वाले और मेरे पति को ले गए उठा के। किस बहन के साथ? हाँ, क्या नाम है आपकी बहन का? मेरी बहन का सुषमा नाम है। आपकी बहन का? हाँ। तो आपकी बहन के साथ क्या मामला हुआ था उस दिन? उसको कमरे में लेके आ गए, उसकी छेड़छाड़ी करी, उसके साथ में जाके भी उसने आवाज दी। मैं एकदम किसने छेड़छाड़ी की थी? किशन ने छेड़छाड़ी की थी। तो उसके शोर मचाने पर आप लोग वहाँ पहुँच गए? हाँ, उसके शोर से तो हम पहुँच गए। तो आप लोगों के साथ क्या मामला हुआ? तो ये अस्पताल चली गई थी, पुलिस वाले आए थे बहुत सारे, तो मुझे बहुत मारते हुए लेके गए थे और लेडीज पुलिस नहीं थी साथ में। जेंट्स पुलिस ने आपको मारा? हाँ, जेंट्स पुलिस ने भी मारा। तो उसमें आप किसी को जानती हैं जो पुलिस वाले जिन्होंने मारा है आपको? हाँ, उसने मारा, केपी सिंह ने मारा। केपी सिंह कौन? दरोगा है, मीना है। अच्छा, क्या मामला हुआ है आपके साथ? मेरा इनकी लड़ाई जो हुई थी ना, जयपुर और किशन जो आता है यहाँ पर, नाम ले दिया मेरे आदमी का, आकाश का और राजा राम का, और मेरे आदमी वो लड़ाई में थे भी नहीं। अच्छा। और बिना फालतू पुलिस हमारे नाम काटने के लिए ना, अपने गरीब 20,000 रुपये दे दो, और मैं 20,000 रुपये कहाँ से लाऊँ? मैं चौका बर्तन करने वाली हूँ। कौन से पुलिस वाले कह रहे हैं 20,000 रुपये दे दो? यहाँ पर सिविल लाइन के वहाँ पर केपी सिंह कह रहे हैं 20,000। केपी सिंह? केपी सिंह कौन है? दरोगा है, सिविल लाइन के। सिविल लाइन के दरोगा आपसे 20,000 रुपए मांग रहे हैं? 20,000 रुपए मांगने, बताओ मैं चौक बर्तन करने वाली, मैं कहाँ से लाऊं बताओ? तो आपने इसकी शिकायत कप्तान साहब से की? मैंने कहा मुझे कोई मेरी सुनता ही नहीं, मुझे भगा देते हैं, जाओ यहाँ से जाओ। मैं तो अपने आदमी को हाजिर कर, अपने लड़के को हाजिर कर, मेरा बच्चा वहाँ था भी नहीं। लगभग इस मामले को कितने दिन हो गए? 2 महीने हो गए। अच्छा, 2 महीने से मतलब आपको बिल्कुल नहीं हो रही है, बताओ मैं क्या करूँ? मैं कोठियों में चौक बर्तन। आप क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम सुषमा है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं काशीराम की। क्या मामला हुआ था आपके साथ? मेरे घर पे मेरा आदमी नहीं था तो नशे की हालत में किशन घुस आया मेरे घर में। हाँ, तो उसने मेरे को मतलब उठा के ना पैंट में डाल दिया था, तो मैंने उससे हल्ला वल्ला किया तो मेरी मम्मी मेरी बहन आ गई, बाकी मोहल्ले के जो आस पड़ोस में रहते हैं सब आ गए थे। फिर ना वो वहाँ से गाली बकता हुआ चला गया, फिर उधर से उसका साला बाबू और देबू और उसकी जानवी आई पत्नी और किशन, उन्होंने आके मारपीट करी थी। मारपीट करने के बाद फिर हमने मेरे मारपीट किन किन लोगों के साथ हुई है? मारपीट मेरी बहन के साथ, मेरी मम्मी के साथ, मेरे साथ। उससे मेरे पेट में चोट आ गई थी तो मैंने 112 पे फ़ोन किया मेरी मम्मी ने, फिर मुझे वहाँ सिविल लाइन ले गए थे। सिविल लाइन ले जाके मुझे वहाँ भर्ती कर दिया, तो जब वहाँ भर्ती कर दिया तो वो लोग वहाँ पे भी हमसे मतलब लड़ने आ गए थे, मेरा आदमी नहीं था घर पे। मतलब जिला अस्पताल में भी आपसे लड़ने आ गए वो लोग? हाँ, सिविल लाइन में लड़ने आ गए थे हमसे। तो जो वीडियो जो वायर हुई थी वो उन लोगों की पार्टी थी, उन लोगों ने मारपीट करी और पुलिस वालों ने हमारी एक नहीं सुनी। लगभग इस घटना को कितना समय हो गया? इस घटना को 2 महीने हो गए। तो आपने संबंधित चौकी या थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई? हम मंजोला थाने भी गए, हम SP जो ऑफिस है वहाँ पे भी गए, पर हमारी किसी ने नहीं सुनी, सबने हमें वहाँ से भगा दिया। तो मतलब किसी प्रकार की कोई आपकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई? नहीं, मेरी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। मैं इंसाफ चाहती हूँ, जो इंसाफ होना है वो करे, गलती तो सारी उनकी थी और जेल हमारा आदमी गया। मतलब आपके हस्बैंड जेल जा चुके हैं? हाँ, वो केपी सिंह उठा के ले गए थे घर से। केपी सिंह कौन?
केबीसी पुलिस वाले हैं सिविल लाइन के, उनके घर पे ना उनका आना जाना है। अच्छा, दरोगा है सिविल लाइन थाने के। हाँ, आना जाना है उनके घर पे। किसके घर पे आना जाना है? किशन देबू के घर पे। अच्छा, जो सिंह का? हाँ, केबी सिंह का। हाँ, केबी सिंह का उनका आना जाना है। दरोगा जी उनके घर आते जाते हैं जिन्होंने आपके साथ मारपीट की है, है नी? इस वजह से आपकी सुनवाई नहीं हो रही, यही कह रही ना? सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, तो इसका जिम्मेदार आप पुलिस को मानती हैं? हाँ, जब पुलिस हमारी नहीं सुनी तो हम तो पुलिस को जिम्मेदार मानेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।